एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे चीज कटलेट लॉलीपॉप। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पटेटो चाहिए। आपको ज्यादा बनाने हैं तो आप ज्यादा पटेटो ले सकते हैं। मैंने चार ही बनाने हैं तो मैं एक पटेटो लूंगी और एक मीडियम साइज का अनियन, एक ग्रीन चिली और ये दो क्लोव मैंने गार्लिक की पील करके के चॉप करी है। अब हम इन सब चीजों को मैश करेंगे एक साथ। ये हाथ से ही अच्छा मैश हो रहा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, जीरा और थोड़ा चाट मसाला। और सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये चीजें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ब्रेड लेंगे। ये मैंने ब्रेड के कॉर्नर किनारे काटे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा गीला करूंगी पानी से। इस तरह से मैंने इसको पूरा गीला करके इसका पानी निचोड़ दिया है। अब इसके बीच में हम थोड़े पोटैटो रखेंगे, पोटैटो का मिक्सचर और एक मोजरेला चीज के दो क्यूब डालेंगे और इसको सील कर देंगे। और इसका गोल लड्डू जैसा बना देंगे और इसको लॉलीपॉप बनाने के लिए इसमें हम एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे और इसको भी अच्छे से सील कर देंगे जिससे कि ये निकले ना और हमारा ये कटलेट फटे ना। तो देखिए हमारा ये एक कटलेट बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही मैं अपने चारों कटलेट बना लेती हूँ। सो व्यूअर्स, देखिए ये मैंने अपने लॉलीपॉप रेडी करके रख लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सो व्यूअर्स, देखिए ये हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी मीडियम लो फ्लेम पे। तो देखिए ये मैंने अपने लॉलीपॉप फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। मेरे पास सर्विंग के लिए एक आइडिया है। मैं इनको सर्व करूंगी इन आइसक्रीम बाउल में इस तरह से। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बन गया है। इनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी अनियन डालेंगे। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। और थोड़ा केचप डालेंगे। तो देखिए मैंने इनको सर्व कर लिया है। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने टोमेटो केचप डाला है। इधर मैंने इमली की चटनी डाली है। आपको जो सॉस पसंद हो आप उसके साथ खा सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।